अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तालिबान के कथित माफी के वादे के बाद भी वो अपने विरोधियों को चुन चुन कर मार रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री ने एक सिंगर की हत्या करने का दावा किया है। इस बीच ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन भी खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद अमेरिका का कहना है कि उसने अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 14 अगस्त के बाद से अब तक 1,11,900 लोगों को वहां से निकाला गया है, जबकि जुलाई के आखिर से अब तक 1,17,500 लोगों को निकाला गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के निकलने की डेडलाइन 31 अगस्त है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का सिलसिला जारी रखेंगे। इस बीच अमेरिका की ओर से एक बार फिर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़े आतंकी हमले की चेतावनी एक बार फिर से जारी की है। अमेरिका के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटे के भीतर काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा आतंकी हमला होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। उधर खबर ये भी आई है कि तालिबान ने लगमान प्रांत के अधिकारियों, पुलिस प्रमुख, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के डायरेक्टर और पूर्व सरकार की प्रांतीय परिषद के प्रमुख को रिहा कर दिया है। तालिबान ने 2 हफ्ते पहले लगमान प्रांत पर कब्जे के बाद इन्हें हिरासत में लिया था। गौरतलब हो कि तालिबान ने 2 सप्ताह पहले अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और इस दौरान उसने कई अधिकारियों को बंधक बना लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे तालिबान को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है, तो वो अब सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि पंजशीर जैसे क्षेत्र में अभी भी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अभी देश में सरकार बना पाना उसके लिए चुनौतियों से भरा है। पर तालिबान का कब्जा हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और इन्हीं 2 हफ्तों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अफगानिस्तान के हालात तालिबान ने पूरे तरीके से बदल दिए हैं। तालिबान ने जो कल फायरिंग की उसके बाद माफी का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद भी वो विरोधियों को चुन चुन कर मार रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री ने भी एक सिंगर की हत्या का अब दावा किया है। जिस तरीके से पहले तस्वीरें सामने आई थी जब एक कॉमेडियन की हत्या की गई थी, वो क्रूरता जो तालिबान की थी वो भी हमने देखी, किस तरीके से उस कॉमेडियन को गाड़ी में बिठाकर पहले उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। ललन जी, अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरीके से पूरे तरीके से अब कब्जा कर चुका है और कल हमने देखा फायरिंग की जो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उससे पहले एयर स्ट्राइक अमेरिका द्वारा की गई और फायरिंग की तस्वीरें, अब जो हालात अफगानिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मानव रहित रिपोर्ट ड्रोन से यूएस ने काबुल हमले के गुनाहगार को मारा, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा है कब्जा करके, उसको भी बहुत गुस्सा आया है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश में बिना बताए हुए किस तरह से आपने उनके ऊपर हमला क्यों किया। गजब की बात है, हमले का गुनाहगार और अगर उसको साजिशकर्ता को मार दिया जाता हो, और तालिबान बोलता है यूएसए जो 20 साल तक उनके इलाके में पूरी देखभाल और उनके प्रशासनिक पूरी कार्रवाई के साथ रहा है, उसको वो ब्लेम कर रहा है। आपने जैसा बताया, अभी काबुल के अंदर पूरी मतलब जो सटीक इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ये माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में हो सकता है 24 और 48 घंटे में कोई बड़ा फिर से साजिश तालिबान आईएसआईएस और किसी मिले जुले तंजीम के द्वारा किया जाए। कारण क्या है, ये तीनों अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अगर आईएसआईएस है तो पूर्वी अफगान में उसकी जोर है, और इधर जो तालिबान है वो पूरे अफगान के अंदर अपने आप को काबिज मान के चल रहा है। ये जो तंजीम है ये केवल अपनी बिजनेस कर रहे हैं। जो आईएसआईएस है उसको ड्रग्स से कोई भी पैसा नहीं मिलता, और जो तालिबान है वो ड्रग्स और फिरौती और टैक्स के द्वारा अपनी पूरी पैसे और आर्थिक मदद देने की कोशिश में है। तो
झगड़ा है वो तालिबान और आईएसआईएस का यही मेन कारण है। लेकिन तालिबान आज मजबूत है और मैं आपको यकीन बता सकता हूँ कि जो नॉर्दर्न अलायंस की हालत है कपीसा प्रांत में, और उन्होंने जिस तरह से तालिबान को दबाया हुआ है, उसी हालत को देखते हुए जो तालिबान है वो अब चाह रहा है कि किसी भी हालत में जो काबुल का जो एयरपोर्ट है उस पे अमेरिका निकल जाए। तीन जगहों से इन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है और जो अमेरिका है वो अभी लगभग एक ही इस काबुल के इलाके में मजबूत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नर है दारहार के अंदर जो साजिशकर्ताओं को इन्होंने मारा है और इन्होंने फिर पेंटागन ने धमकी दी है कि हम केवल इन दोनों साजिशकर्ता के मारने के बाद चुप नहीं बैठेंगे और इसके बाद भी हम उनको भी कार्रवाई करेंगे जो इन तालिबान या किसी भी तंजीम को पोषक के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये भी कारण है कि ये दबे हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तालिबान है वो अभी भी चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका हमें प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष हमें हेल्प करता रहे, और यही कारण है कि पेंटागन और विदेश मंत्रालय यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि 31 अगस्त के बाद भी हम अपने इस काबुल के एरिया में रहें और अपने लोगों को निकालते भी रहें और इनके ऊपर दबाव भी बनाते रहें। मुस्कान जी बिल्कुल, और ललन जी अमेरिका की नीतियों के बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए पहले वहां से जिस तरीके से सेना को निकाला गया, अमेरिका को अगर वहां से सेना अपनी हटानी थी तो पहले पूरे तरीके से वहां पर तौर तरीकों के साथ सेना हटाई जा सकती थी, उनको सक्षम किया जा सकता था पहले अफगानियों को, उसके बाद सेना को हटाया जा सकता था। और अब जिस तरीके से 31 अगस्त तक का समय है वहां पर अमेरिकी सैनिकों के पास, उसके बाद सैनिक भी वापिस जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सैनिकों के कंधों पर जो बोझ है वो उन्हीं के साथ जो सैनिक थे उनके शवों का बोझ, उनके पार्थिव शरीर का बोझ है, जो वाकई कह सकते हैं कि निंदनीय घटना, शर्मनाक वहां पर तालिबान का काम है। अब अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है, क्या बदले के जरिए अमेरिका तालिबान को वहां से खदेड़ने में कामयाब हो पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए मुस्कान जी, बड़े साफ है, सभी दुनिया की जो देश है वो अपनी स्वार्थ के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 169 तो इसके अंदर केवल अफगानियों की मौत हुई है और अमेरिका की जो सैनिक है वो 13 ही थे और ब्रिटिश के भी 3 नागरिक हैं। लेकिन अभी जो अमेरिका है वो अपने हथियारों को, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को और अपने 6 लाख स्मॉल आर्म्स को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर इनके अगेंस्ट हो गई है। उनको पता है कि ये जो हथियारे, बख्तरबंद गाड़ियां, एनबीडी अगर ये छोड़ के जा रहे हैं, विड्रॉल का जो तरीका है वो सिस्टमेटिक नहीं होगा, तो ये जो तालिबानी है इस हथियारों से हो सकता है कि वो पूरी काम ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को ये देकर और एक बहुत बड़ा आफत दुनिया के लिए ये क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसआईएस का जो फुरकान है ये भी चाहता है कि हम अफगान के अंदर अपना दबदबा बना ले। लेकिन अभी तालिबान, जैसा आपको पता है कि 2 दिन के अंदर ये सरकार बनाने की तैयारी में और हकीम हक्कानी और ब्रादर दोनों मिलके लगातार बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान इसके अंदर पूरी तौर पे सहयोग दे रहा है। इन्होंने कहा है, मेजर जनरल बार्बर ने, कि अगर आपको जरूरत हो 3 हथियारों की ट्रेनिंग भी हम देंगे और जरूरत के अनुसार आपको बेहतर सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं और तुर्की इनको लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहा है। तो जरूरी है कि जो अमेरिका है, क्योंकि 68 सीनेटर अपने बाइडन साहब को पत्र लिखकर बताया है कि अगर कहीं तालिबान को परमाणु बम हाथ लग जाए तो यह दुनिया के साथ कुछ भी कर सकता है। इन चीजों को मद्देनजर तस्वीरें जो है जी ललन साहब, तस्वीरें जो है तालिबान के खौफ की या फिर यूं कहें कि उनकी
कायराना हरकत की जो तस्वीरें वो सामने आने लगी है। अभी दो दिन पहले हमने देखा, वो खबरें सामने आई कि वो छोटे छोटे बच्चियों को अब ढूंढ रहे हैं और उनसे शादी के नाम पर उन्हें झांसा दे रहे हैं। और अभी हाल ही में दो दिन पहले की एक 13 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म विवाह पर तालिबानियों ने किया, उसका गैंग रेप किया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वापस तालिबान के सामने आने लगी है जो पहले देखने को मिलती थी। हालांकि तालिबान बहुत से दावे कर रहा है, लेकिन तालिबान की जो कह सकते हैं कि शख्सियत रही है, उसका जो पहले का पूरा किरदार रहा है, उसको देखकर उस पर भरोसा करना भी संभव नहीं है। तो अब जब जो अमेरिकी सैनिक है वो जब लौट जाएंगे, तो उसके बाद अफगानिस्तान का क्या होगा, इस पर किस इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जब अभी सैनिक है वहां पर, अभी महिलाओं पर इतने अत्याचार होने लगे हैं, तो सैनिकों के जाने के बाद क्या होगा अफगानिस्तान का? ये बहुत बड़ा आफत आने वाला है, अफगान के ही लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और जब इस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये दुनिया केवल मुक दर्शक के तौर पे नहीं रह सकती। यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, G7 हो, या दुनिया की ताकतवर देश हो, अब रूस ने भी बहुत थोड़ा सा इनके ऊपर सख्त मतलब बयान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स और जो बच्चियों के साथ और छोटे बच्चों के साथ जो ये दुष्कर्म और यहूदी किस्म का जो उनका एक्शन है, उसको बंद करो और तभी हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान भी चाहता है कि अमेरिका कुछ दिन यहाँ रहे, लेकिन वो ऐसे रहे कि वो एक तरह का एक मूक दर्शक के तौर पर रहे और हम किसी बहाने अपने मान्यता दुनिया से ले लें। लेकिन स्थिति बहुत बदल चुकी है काबुल के धमाके के बाद, और आने वाले दिनों में फिर से कोई धमाका होने की संभावना बन रही है। तो इन हालातों को देखते हुए पूरी दुनिया अभी सतर्क हो गई है और लगातार यूनाइटेड नेशन गौर कर रहा है और एक प्रस्ताव पूरी तौर पर प्लान कर रहा है, जिससे कि माहौल को शांत करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स और विड्रॉल का जो सिस्टम है उसको सिस्टमेटिक कैसे हेजवाइज अमेरिका या और देशों के जो भी लोग जो दूतावास में बैठे हैं उनको निकाला जाएगा और उनकी एक्शन भी तरतीब से होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को शक नहीं होना चाहिए, ये जो साजिशकर्ताओं के ऊपर इन्होंने ड्रोन से मारा है वो पाकिस्तान का एकदम नजदीक सीमा का इलाका है, और अमेरिका को ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान तालिबान को पूरी तौर पर तुर्की के मदद से उनको सहायता दे रहा है। अब सबसे अहम ललन जी, अगर कुछ देखना है तो यही देखना होगा कि अमेरिका किस तरीके की रणनीति अपनाता है और भारत का क्या कुछ रवैया उनके खिलाफ रहता है, तालिबानियों के खिलाफ, ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए रोकना चाह रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अभी अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसमें वाकई बहुत निंदनीय और शर्मनाक कृत्य, महिलाओं के साथ अत्याचार की बात कहें या फिर छोटे बच्चों के साथ अत्याचार, वाकई बेहद शर्मनाक कृत्य वहां पर हो रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब जिस तरीके से पंजशीर घाटी में वहां पर तालिबान के लिए एक बड़ा चुनौती है, उसको तालिबान कैसे उबारता है और क्या अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बना पाएगा या नहीं।